हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज। इन लास्ट लेक्चर वी वर स्टडिंग अबाउट द ओपिनियन रिसर्च। इन दैट वी हैव कंप्लीटेड फ्यू पॉइंट्स। विल स्टार्ट विद द पेज नंबर 321 सेकंड पॉइंट। राइट, रिवीजन अपन वहाँ से करेंगे। कॉरपोरेशन, एनजीओस एंड अदर मल्टीनेशनल चैरिटीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप हैव स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल कंपैरेटिव स्टडीज। लाइक ओपिनियन, अपन जब ओपिनियन रिसर्च करते हैं, वी कम अप विथ नंबर ऑफ चैलेंजेस। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है इशू क्या है क्या नहीं, पूरे वर्ल्ड का इशू है कि नहीं वो देखना है। देन फिर उस हिसाब से अपने को सर्वे बनाना है और उस हिसाब से क्वेश्चनरी फ्रेम करनी है। और ये क्वेश्चनरी जो रहेगी, इट मे डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, द इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन। अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, वी आर यूजिंग अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज द पब्लिक ओपिनियन और वर्ल्ड ओपिनियन। राइट, क्यों अपन ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ है, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टुडे वर्ल्ड हैज़ बिकम अ सिंगल मार्केट। राइट, आज पूरा वर्ल्ड पास में आ चुका है। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक रोसियानो, वर्ल्ड ओपिनियन इज द मॉरल जजमेंट ऑफ ऑब्जर्व विच एक्ट मस्ट हीड इन द इंटरनेशनल अरिना और रिस्क आइसोलेशन एज अ नेशन। रेसोलो स्टेटेड दैट अ वर्ल्ड ओपिनियन कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन देयर इज कंसेंसस अमंग इन्फॉर्म्ड एंड इंटरेस्ट इंक्लूजन इन्वॉल्व। अभी वर्ल्ड ओपिनियन कब ले सकते हैं, जब वो इशू पूरे वर्ल्ड का हो। राइट, लाइक पूरे वर्ल्ड को उसके ऊपर ओपिनियन चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे COVID-19 का दिया था, द मेजर इशू दैट फॉर्म्स द एजेंडा फॉर वर्ल्ड ओपिनियन, द रिलेटिव एम्फसाइज और इम्पोर्टेंस अलॉटेड दिस इशू ओवर टाइम, द डेटा और टाइम पीरियड इन विच दिस इशूज वे इम्पोर्टेंट, दैन द चेंजेस कमिंग फॉरवर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड ओपिनियन, कंसर्न ऑफ कंट्रीज इन इट इन द वर्ल्ड, दैट इज इट्स रेपुटेशन इन वर्ल्ड ओपिनियन। देन वी आर लुकिंग एट द पब्लिक ओपिनियन, हाउ इट इज फॉर्म्ड। सी, पब्लिक ओपिनियन यानी क्या है, ये पूरे लोगों का एटीट्यूड, बिलीफ, सोच है ऑन द पॉलिटिकल इशू एंड टॉपिक विद द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। जैसे जैसे अपन ये सिस्टम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, द कनेक्शन बिटवीन मेजोरिटी पब्लिक ओपिनियन एंड गवर्नमेंटल एक्शन बाय दोज इलेक्टेड इज अज्यूम एज अ डेमोक्रेटिक थियरी। बिलीव्स क्या है, दिस आर द आइडियाज दैट आर सपोर्टेड बाय अ वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट लाइफ एंड पॉलिटिक्स। शेयर्ड पॉलिटिकल कल्चर में उसमें अपन ने क्या देखा, वैल्यूज एंड बिलीव्स। सी, एलिमेंट्स ऑफ शेयर्ड पॉलिटिकल कल्चर्स क्या हैं, देर आर टू बेसिक एंड वेरी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ शेयर्ड पॉलिटिकल कल्चर, दैट आर द वैल्यूज एंड बिलीव्स। सी, वैल्यूज आर द कल्चर स्टैंडर्ड फॉर डिस्करिंग वॉट इज गुड एंड जस्ट इन सोसाइटी। अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बात करते तो उसमें कौन कौन आता है, फर्स्ट आता है पेरेंट्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीयर्स, एडुकेशन, टीचर्स, बुक्स, मूवीज, मीडिया, एक्सपीरियंसेस, सर्कमस्टेंसेस, देन रिलीजन प्रैक्टिस, लीडर एंड अदर्स। बिलीव्स क्या है, बिलीव्स ये सोच है जो सही गलत बोलती है, बट साथ साथ में क्या है, ये कलेक्टिव वैल्यू भी है। वैल्यूज हेल्पिंग शेपिंग द सोसाइटी, वैल्यूज से अपने को पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। राइट, वॉट इज गुड, बैड, ब्यूटिफुल, अगली, सॉफ्ट और अवॉइडेड। One way society tries to put value into action is through reward, sanction, punishment. Punishment का example शायद मैंने आपको वो helmet का signal तोड़ना ये सब बोला था, that's a simple way. Values are not static, they differ across time and between groups as people evolve, debate and change collective social societal beliefs. The next is the political socialization. See, नाउ पॉलिटिकल बिलीव्स एंड एटीट्यूड आर फॉर्मिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अपन बचपन से ही अपने इसमें वैल्यूज़ वगैरह डाले जाते हैं। राइट,
बहुत सी इन्फॉर्मेशन अपने को बचपन में ही दी जाती है, अपन कौन से सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, हाँ अपना पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है, ये सब अपने को बचपन से ही सिखाया जाता है। और ये जो सोशलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, दिस इज़ नथिंग बट द एंटायर प्रोसेस इन विच वी आर ट्रेंड टू अंडरस्टैंड अवर पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉर्म अवर पॉलिटिकल व्यू। ये अपना एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चलता है बताता है, अपना पॉलिटिकल, फिर अपना पॉलिटिकल व्यू कैसा होना चाहिए, राइट, और ये सारा पता चलता है। और ये कब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी यंग एज, लाइक अपन छोटे रहते हैं तब भी अपने को ये सब कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलाइजेशन एंड एजेंट, सोशलाइजेशन एजेंट, एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन विच इन्फ्लुएंस सिटीजन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू एक्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम और मेक डिसीजन ऑन पॉलिटिकल मैटर्स। ये सोशलाइजेशन एजेंट क्या है, ये एक एजेंट है ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राइट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक एजेंट है, एक सोर्स है जिससे अपने को पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या आप लोग क्या होता है, यहाँ पे अपने को पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे अपन इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे अपने को पता चलता है अपना पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और या फिर अपने को बहुत से पॉलिटिकल मैटर्स पे कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, ये सब अपने को बताता है। दिस एजेंट्स इंफॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिकल एक्शंस, सेम दिस एजेंट्स इंफॉर्मेशन क्या है, दे में इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिकल एक्शन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन जो अपने को मिलती है एजेंट से, वो क्या है, वो अपने पॉलिटिकल एक्शंस पे भी एक असर डाल सकती है। देन सोशलाइजेशन एंड आइडियोलॉजी, अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ अ ग्रुप अबाउट वॉट गवर्नमेंट शुड डू। सी अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, इट इज़ नथिंग बट ये एक पूरा सेट है जिसके अंदर अपने पॉलिटिकल बिलीव्स एटीट्यूड्स सबके बारे में बोलते हैं। और ये किसके रिलेटेड रहते हैं, अबाउट द ग्रुप या फिर गवर्नमेंट के बारे में रहते हैं, राइट। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ अ ग्रुप अबाउट वॉट गवर्नमेंट शुड डू, इट्स पर्पज एंड स्कोप, लाइक गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का ये फॉर्म, अगर कुछ गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है तो उसका पर्पस क्या है, उसका स्कोप क्या है, इन सब के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है। द सोशलाइजेशन प्रोसेस लिव सिटीजन विद एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स दैट क्रिएट अ पर्सनल आइडियोलॉजी। सी ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, इट लिव सिटीजन विद सर्टन एटीट्यूड्स बिलीव्स दैट क्रिएट अ पर्सनल आइडियोलॉजी। देन आइडियोलॉजीज एंड आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द आइडियोलॉजीज एंड आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। अ कॉमन वे टू लुक एट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इज टू प्लेस देम ऑन अ लेफ्ट टू राइट स्पेक्ट्रम दैट कंपेयर्स देम बेस्ड ऑन व्हाट दे प्रायोरिटाइज। सी अ कॉमन वे टू लुक एट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अभी एक सिंपल तरीका, एक सिंपल वे, एक कॉमन वे बोलो या एक प्रॉपर वे, आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के पास देखो, इज टू प्लेस देम ऑन द लेफ्ट और द लेफ्ट टू राइट स्पेक्ट्रम दैट कंपेयर्स देम बेस्ड ऑन व्हाट दे प्रायोरिटाइज। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है या प्रॉपर जगह पे प्लेस करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्पेक्ट्रम, जिससे आप क्या कर सको, अच्छे से सब कुछ कंपेयर कर सको और फिर उनको इम्पोर्टेंस दे सको। दिस लेफ्ट टू राइट प्लेसमेंट वेयर दोज सीकिंग द मोस्ट चेंज इन द नेशंस पॉलिटिकल एंड सोसाइटल अरेंजमेंट सैट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सी दिस लेफ्ट टू राइट प्लेसमेंट क्या है, वेयर दोज सीक द
most change in the nation's political and societal arrangement set. यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में सब कुछ चलता है यहाँ पे सिंपल. दो सिकिंग टू प्रिजर्व और कंजर्व दिस एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम सेट ऑन द राइट साइड. जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सोशल सिस्टम जो अपने प्रिजर्व करते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको पूरी अच्छे से एक साथ रखते हैं, वो कहाँ बैठते हैं, दे सिट ऑन द राइट साइड. और लेफ्ट साइड में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है. और राइट साइड में क्या है, जो अपना पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम को कंजर्व करके रखते हैं. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मीडिया प्रैक्टिस. न्यू मीडिया, the new media environment is dynamic and is continuously developing in novels, sometimes unanticipated ways that have serious impact for democratic governance and politics. See, ये जो new media है, new media environment क्या है, is dynamic, right? ये कैसा है, it's dynamic. Dynamic मतलब बहुत अच्छा है सर. एंड इज़ कंटिन्यूसली डेवलपिंग. और न्यू मीडिया क्या है, आज भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल, समटाइम बहुत बार क्या है, ये न्यू मीडिया एनवायरनमेंट क्या है, अनएंटिसिपेटेड है. मतलब अपन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते. वेज दैट हैव सीरियस इम्पैक्ट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स. सी वेज, ये तरीका है जिससे अपने को सीरियस इम्पैक्ट होता है फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स. न्यू मीडिया हैव सिग्निफिकेंटली चार्ज द वे दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स. सी न्यू मीडिया क्या है, हैव सिग्निफिकेंटली चार्ज्ड, एक्चुअली चेंज्ड रहना चाहिए यहाँ पे. न्यू मीडिया की वजह से क्या है, चार्ज नहीं, चेंज होना चाहिए आई थिंक. एनीवे, न्यू मीडिया आने की वजह से क्या हुआ है, गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही थी, जिस तरीके से काम कर रही थी, अब वो भी चेंज हो गया है. क्यों, क्योंकि मीडिया क्या है, दिन भर गवर्नमेंट के पीछे रहती है. देख, हर गवर्नमेंट पे, हर पॉलिटिशियंस पे एक नज़र रखती है वो, इट एक्ट एज अ वॉच डॉग. ये अपन ने पहले भी पढ़ा था. तो पॉलिटिकल सिस्टम भी, अपना जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिस हिसाब से काम कर रही थी, वो भी चेंज हो गया है. The way that political leaders communicate, the manner in which elections are contested and citizen engagement. See, ये एक manner है जिससे election, जिस हिसाब से election होते हैं, जिस हिसाब से citizen engagement होता है, like जिस हिसाब से citizen involved होते हैं. New media क्या है, आज new media क्या है, बहुत ज़्यादा important है. Then, moving towards the second point, new political media are types of communication that facilitate the production, dissemination and exchange of political content on platform and within networks that allow interaction and collaboration. See, new political media are types of communication. अब अपन न्यू पॉलिटिकल मीडिया क्या है क्या नहीं, ये अपन ने लास्ट लेक्चर, सॉरी लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था न्यू मीडिया के बारे में एंड ऑल. तो न्यू मीडिया क्या है, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें क्या है, दैट फैसिलिट द प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन एंड एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म एंड विद इन नेटवर्क दैट अलाउ इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन. एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे अपने को क्या है, प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल में एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल कंटेंट, नेटवर्क्स के बारे में, नए नए इंटरैक्शंस, कोलैबोरेशन, इन सब के बारे में अपने को पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू मीडिया. दे हैव इवोक्ड क्विकली ओवर द पास्ट डेकेड एंड कंटिन्यू टू डेवलप इन यूनिक वेज. सी, दे हैव इवॉल्व क्विकली ओवर द पास्ट डेकेड्स. अभी पास्ट डेकेड्स में क्या है, लाइक अभी रिसेंटली क्या है, ये न्यू मीडिया क्या है, बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है.
और कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है और नए नए तरीके आ रहे हैं इसमें, राइट। पहले क्या था, अपन ने देखा ना, ऑर्कुट था हमारे टाइम पे, ऑर्कुट वगैरह था। फिर धीरे धीरे फेसबुक आया, फेसबुक आया, फिर ये आया जीमेल वगैरह, राइट। अभी क्या है, ऑर्कुट का तो किसी आप लोगों को पता भी नहीं होता है। अभी आपके पास क्या है, इंस्टाग्राम, हाँ, और देन स्नैपचैट, मैसेंजर्स, ट्विटर, अभी ये सब लेटेस्ट है। तो क्या है, देखो ये किस हिसाब से धीरे धीरे डेवलप हुआ और कितना यूनिक वे से आगे बढ़ रहा है। न्यू मीडिया हैव मैनी इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। सी, न्यू मीडिया क्या है, न्यू मीडिया हैव मैनी इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। न्यू मीडिया पे क्या है, बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस है फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंसेस एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। दे हैव सिग्निफिकेंटली चेंज द वे इन विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑपरेट एंड पॉलिटिकल लीडर कम्युनिकेट। दे हैव चेंज्ड। अब न्यू मीडिया की वजह से क्या हुआ है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिस हिसाब से काम करती थी या पॉलिटिकल लीडर जिस हिसाब से काम करते थे वो भी चेंज हुआ है, और द वे दे कम्युनिकेट देयर थॉट्स इवन दैट हैव चेंज्ड नाउ। ये सब कुछ बहुत चेंज हो गया ना, ये इतना सब चेंजेस क्यों आया है। आज अपन गवर्नमेंट सब कुछ, आज तो गवर्नमेंट कितने पॉलिटिशियन ट्विटर पे वगैरह है, किसी एक पॉलिटिशियन ने ट्विटर पे कुछ कमेंट किया कि तुरंत दूसरा पॉलिटिशियन उसको रिप्लाई देने के लिए तैयार रहता है। ट्विटर पे भी कितना चलता रहता है, कितने पॉलिटिशियंस वगैरह इंस्टाग्राम पे है। आई बहुत से पॉलिटिशियंस को इन सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट क्या है, सोशल मीडिया एक मीन्स है जिससे वो लोगों से थोड़ा कनेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए वो लोग सोशल मीडिया पे इतना रहते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं ना, 90% ऑफ द लोग सोशल मीडिया पे लगे हुए रहते हैं। दे हैव चेंज्ड द पॉलिटिकल मीडिया सिस्टम एंड रीडिफाइंड द रोल ऑफ जर्नलिस्ट। सी, दे हैव चेंज्ड द पॉलिटिकल मीडिया सिस्टम। अब उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, दे हैव चेंज्ड द पॉलिटिकल मीडिया सिस्टम एंड रीडिफाइंड द रोल ऑफ जर्नलिस्ट। दे हैव रीडिफाइंड द वे इलेक्शंस आर कंटेस्टेड एंड हाउ सिटीजन्स एंगेज इन पॉलिटिक्स। सी, फिर उन्होंने नया तरीका बताया है, अब इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, सिटीजन ने क्यों वोट करना चाहिए। अभी लोग जागरूक हो गए, इसलिए देखो अभी वोटिंग का परसेंट कितना अपना बढ़ गया है। पहले 55% वोटिंग होता था, अभी कितना जा रहा है वोटिंग, 67% तक वोटिंग वगैरह जा रहा है अपना। क्यों, क्योंकि लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ ऑल दिस। द राइज ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड द पॉलिटिकल मीडिया सिस्टम मोर कॉम्प्लिकेटेड। द राइज ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड द, अभी नए मीडिया आने की वजह से क्या हो गया है, पॉलिटिकल मीडिया सिस्टम भी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लीगसी मीडिया कंसिस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड मास मीडिया इंस्टीट्यूशन बिफोर द इंटरनेट सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो शोज एंड टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम को एग्जिस्ट विथ न्यूज़ मीडिया विच ग्रो आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। सी, अब ये जो लीगसी मीडिया क्या है, इट हैज़ कंसिस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड मास मीडिया इंस्टीट्यूशन। लीगसी मीडिया क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मास मीडिया इंस्टीट्यूशन बिफोर द इंटरनेट, लाइक इंटरनेट से पहले। पहले अपने पास क्या था, न्यूज़पेपर थे, रेडियो थे, टेलीविज़न थे। अब क्या है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब किस में आ गए, अभी इन सब को थोड़ा सा पीछे डाल के न्यू मीडिया आ गई है। न्यू मीडिया में क्यों आया है न्यू मीडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, राइट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इतने आ गए, पहले क्या था, टीवी था, टीवी में क्या था, सिर्फ दूरदर्शन था वो, राइट। उस पर न्यूज़ वगैरह आते थे, उसी पे मैच दिखाया जाता था, उसी पे ही कुछ सीरियल वगैरह थे, राइट। जब हम बहुत छोटे थे ना, तब हम लोग एवरी संडे पूरा फैमिली बैठ के ना वो महाभारत वगैरह देखते थे, राइट। बहुत छोटे थे तब हम, और फिर देन वी यूज़ टू वॉच दैट शक्तिमान सीरियल दूरदर्शन पे। तब क्या था, हमारे घर पे दूरदर्शन नहीं था, हमारे घर पे फिर केबल आ गया था, और केबल वाले में दूरदर्शन नहीं दिखता था हमारे घर पे, तो हम लोग पड़ोस वाले आंटी के घर पे जाके शक्तिमान देखते थे कुछ टाइम तक। तो पहले टीवी भी आया तो क्या था, लिमिटेड प्रोग्राम थे। अब वैसा है क्या, नहीं,
अभी टीवी में भी बहुत ज़्यादा नए नए प्रोग्राम है, लाइक न्यूज़ के लिए पूरा अलग, लाइक लोकसभा में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ये भी अपने को न्यूज़ से पता चलता है, ये भी न्यूज़ में लाइव दिखाया जाता है। तो क्या है जो ओल्ड मीडिया है अभी वो को एग्जिस्ट हो गए विद न्यू मीडिया, एंड ये सब क्यों हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी। वाइल लीगसी मीडिया मेनली रिलेटिवली स्टेबल फॉर्मेट्स, द लेटेंसी ऑफ न्यू मीडिया विच इंक्लूड वेबसाइट, ब्लॉग्स, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऐप एंड सोशल मीडिया आर कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग इन इनोवेटिव वे। सी अपार्ट फ्रॉम न्यू मीडिया, इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं न्यू मीडियाज़ में, वेबसाइट्स अपन देखते ना, वेबसाइट www. आता है, वेबसाइट पे किसी का भी आप वेबसाइट देखो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना हो तो कंपनी का वेबसाइट रहता है, अगर आप वो वेबसाइट डालो तो उस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, राइट। देन वी कैन सी ब्लॉग्स, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऐप्स एंड सोशल मीडिया आर कंटिन्यूली एक्सपेंडिंग इन अ इनोवेटिव वे। इनोवेटिव वे नए नए तरीके से क्या है, ये सोशल मीडिया आज अपना कंटिन्यू बढ़ रहा है। न्यू मीडिया कैन रिले इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू इंडिविजुअल्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एडिटोरियल और इंस्टीट्यूशनल गेटकीपर्स विच आर इंस्टिंक्टिव लीगल फॉर्म्स। सी न्यू मीडिया क्या है, कैन रिले इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू इंडिविजुअल्स। न्यू मीडिया से क्या है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इंडिविजुअल्स तक पहुँच जाती है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एडिटोरियल और कोई किसी इंस्टीट्यूशनल गेटकीपर के बिना ही आप तक डायरेक्ट आ जाती है। कितनी बार अपन देखते हैं लाइव इंटरव्यू बताया जा रहा है, लाइव सब कुछ बताया जा रहा है, राइट। तो इसमें है क्या एडिटर तक जाएगा, एडिटर फिर कुछ एडिट करेगा, ऐसे कुछ होता है क्या, नहीं। कितनी बार पॉलिटिशियंस के इसमें डायरेक्ट लाइव बताया जाता है, तो क्या है विदाउट एनी इंटरफियरेंस ये न्यू मीडिया आज आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। दस न्यू मीडिया हैव इंट्रोड्यूस्ड एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनटू द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस। दस क्या बोला है, ये न्यू मीडिया क्या है, न्यू मीडिया हैव इंट्रोड्यूस्ड एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनटू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो क्या हो गया है, अब न्यू मीडिया की वजह से क्या हो गया है, इंस्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल हो गया है सब कुछ, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा चाहिए क्या नहीं, ये सारा क्या हो गया, अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन लीगसी मीडिया एंड न्यू मीडिया इज सिम्बायोटिक। सी द रिलेशनशिप बिटवीन लीगसी मीडिया एंड न्यू मीडिया इज सिम्बायोटिक। लीगसी मीडिया हैव इनकॉर्पोरेटेड न्यू मीडिया इन टू देयर रिपोर्टिंग स्ट्रैटेजी। ये लीगसी मीडिया जो है उन्होंने क्या हुआ है, दे हैव इनकॉर्पोरेटेड न्यू मीडिया इन टू द रिपोर्टिंग स्ट्रैटेजीज। दे डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल्स अक्रॉस एन एरे ऑफ ओल्ड एंड न्यू कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। सी दे डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल अक्रॉस एन एरे ऑफ ओल्ड एंड न्यू कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। दे रिलाई ऑन न्यू मीडिया सोर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कंटेंट। सी नाउ व्हाट हैपन, दे आर रिलाइंग ऑन न्यू मीडिया सो दैट दे कैन मीट द डिमांड। डिस्पाइट कॉम्पिटिशन फॉर्म न्यू मीडिया, द ऑडियंस फॉर ट्रेडिशनल मीडिया रिमेन्स रोबस्ट इवन इफ दे आर नॉट एज फॉर्मिडेबल एज इन द पास्ट। बहुत सा कॉम्पिटिशन है न्यू मीडिया में भी, ऑडियंस में भी, बट फिर भी ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है उनकी भी अपनी एक जगह बना रखी है उन्होंने भी। जैसे न्यूज़ में अपन जो लोग न्यूज़पेपर देखते हैं वो न्यूज़पेपर आज भी देखते हैं, भले ये न्यू मीडिया आई तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही अच्छे से काम चल रहा है उनका। रीडर्स ऑफ द प्रिंट एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स एंड व्यूवर्स ऑफ द नाइटली नेटवर्क न्यूज़ प्रोग्राम फार आउट नंबर दोज एक्सेसिंग द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल न्यूज़ वेबसाइट। सी रीडर ऑफ दिस प्रिंट एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड व्यूइंग ऑफ द नाइटली नेटवर्क न्यूज़ प्रोग्राम फार आउट नंबर दोज एक्सेसिंग द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल न्यूज़ वेबसाइट। केबल्स नेटवर्क टेलीविजन न्यूज रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर पीपल ओवर द एज ऑफ 30। सी केबल
एंड नेटवर्क टेलीविजन, ये आज भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल जो 30+ के लोग वगैरह हैं उनके लिए क्या है आज केबल नेटवर्क टेलीविजन न्यूज़ आज भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज अ रिजल्ट न्यू मीडिया रिलाई ऑन देयर लेगमेसी काउंटर पार्ट्स टू गेन लेगमेसी एंड पॉपुलराइज देयर कंटेंट। एज अ रिजल्ट क्या है न्यू मीडिया को भी क्या है काउंटर पार्ट है लाइक न्यू मीडिया को भी एक कॉम्पिटिशन है क्योंकि पुराना मीडिया आज भी उतना पॉपुलर है भले पहले जितना नहीं है बट जो लोग यूज़ करते हैं वो आज भी इस मीडिया को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट मीनवाइल रीड द टॉपिक वेल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माय मेल आईडी इज rasika.pagaria@theratearahamedu.in Thank you.